इस वक्त डी चौक का मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है, बारिश भी हल्की हल्की जो है वो जो रिमझिम है वो हो रही है, लेकिन दूसरी जानब यहाँ पर एक बार फिर मैदान जंग बन चुका है। डी चौक ये सामने के मनाजर हैं जहाँ पर पुलिस और एफसी जो है वो मौजूद हैं और उसके अहलकार मौजूद है, एफसी के अहलकार बख्तरबंद गाड़ियाँ यहाँ पर दो मौजूद हैं, इसके अलावा पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन दूसरी जानब सामने जो हवा का रुख है वो अपोजिट हो चुका है, जिससे जो शेलिंग जो की जा रही है उसका धुआं वापस जो है वो जो पुलिस अफसरान यहाँ से कर रहे हैं वहाँ की तरफ जो है वो जो हवा के रुख की वजह से शेलिंग का जो असर है वो वापस आ रहा है और जो मुजाहरीन हैं अब वापस डी चौक की तरफ जो है वो बढ़ने शुरू हो चुके हैं, डी चौक की तरफ जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। ये मनाजर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वक्त आपको आवाज़ें भी सुनाई दे रही होंगी। ये देखें, ये जिस तरह फायर किया जाता है वो धुआं जो है वापस जो है हवा के रुख से हो रहा है, जिसका असर जो है वापस सरकार पे हो रहा है। पुलिस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो रही है, ये देखें हवा की वजह से पुलिस वापस हो रही है। ये सामने नजर दे सकते हैं बख्तरबंद गाड़ी भी वापस हो जाए, ये पुलिस अहलकारों कहा जा रहा है कि यहाँ पर खड़े हो जाएं। जो डीआईजी हेडक्वार्टर हैं मुस्तफा तनवीर साहब वो यहाँ पर इस वक्त कमांड संभाले हुए हैं, ये मनाजिर हैं और ये एफसी कार है। मुसलसल आप देख रहे हैं कि जो शेल का असर है वो वापस आ रहा है। ये सामने मुजाहरीन आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद है मुजाहरीन की जो इस वक्त यहाँ पर पुलिस एहलकारों की वजह से ये आज से गाड़ियों के थ्रू जो है वो ले जाया जा रहा है। शेल का असर वापस आ रहा है, पुलिस की बारी रफरी वापस इस वक्त पहुंच चुकी है और जो कमांड है डीआईजी मुस्तफा तनवीर साहब जो हेडक्वार्टर के हैं वो उनको कमांड दे रहे हैं कि गाड़ी आगे जाए। पुलिस वापस रैली के लिए ग्राउंड पर दौड़ रही है। शदीद किस्म की शेलिंग हो रही है, पुलिस की गाड़ियों को मुजाहरीन ने घेर लिया है पुलिस ने मुजाहरीन की गाड़ियों को घेर लिया है और मुजाहरीन वापस ही हो रहे हैं यहाँ पर। वो यहाँ पर ये पुलिस की ये जो ये आ रही है बख्तरबंद गाड़ी उसे घेरा जा रहा है, बराबर आप देख सकते हैं और सामने मुजाहरीन जो है पथराव कर रहे हैं पुलिस पर। ये दो बख्तरबंद गाड़ियाँ इस वक्त गुजारने के लिए मुझे अथरू वो अंदर वाली साइड पर भी पहुंची हुई है और शेलिंग की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अंदरून मुनाजिर हैं, बख्तरबंद गाड़ी आपको नजर आ रही है, शेल यहाँ पर वापस जो है वहाँ के रुख से वापस आ रहे हैं। पुलिस की जाने से शेलिंग की जा रही है लेकिन उसका जो असर है वो वापस हो रहा है। पुलिस आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। एक बार फिर पुलिस पेशकदमी कर रही है और मुजाहरीन की तरफ वापस बढ़ रही है उन्हें पीछे करने में, और मुजाहरीन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पीछे हो रहे हैं। ये देख रही है तनवीर साहब खुद गाइडलाइन दे रहे हैं। ये मुजाहरीन की जाने से पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। ये देखे जो बख्तरबंद गाड़ी है उस पर पथराव किया जा रहा है। ये डी चौक पर गाड़ी जो है बख्तरबंद गाड़ी आई है, ये पथराव कर रही है, गाड़ी वापस निकल रही है। ये मनाजर आप देख सकते हैं, जो मुजाहरीन है इस वक्त डी चौक पर मौजूद है और बारिश बहुत तेज हो चुकी है, जबकि जो पुलिस की जाने से शेलिंग की जा रही है। अब जो हवा का रुख है जिस तरफ जाता है वहाँ से जो रुख वापस होने की वजह से जो शेलों का असर है वो वापस जो है पुलिस की जाने जो बढ़ रहा है। ये देख सकते हैं जिस तरह हवा का रुख वापस डी चौक की तरफ है, मुजाहरीन इस वक्त डी चौक पर जमा हो चुके हैं। बख्तरबंद गाड़ी वक्फे वक्फे से यहाँ आती है शेल गिराने के लिए और वापस रवाना हो जाती है, जिस पर मुजाहरीन की जाने से मुकम्मल तौर पर पथराव के ऊपर किया जा रहा है। ये इस वक्त डी चौक के मुजाहरे आप देख सकते हैं और मुसलसल नारेबाजी की जा रही है, वानी पीटीआई के हक में, खान के हक में नारेबाजी भी की जा रही है, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और इस वक्त मुजाहरीन डी चौक पहुंच चुके हैं। बड़ी तादाद है मुजाहरीन की यहां पर और हवा के रुख ने कुछ ही टाइम पहले जो है वो हालात बदल दिए। जैसे ही हवा का रुख डी चौक की तरफ हुआ तो
जो मुजाहिरीन थे उन्हें मौका मिला और बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने पुलिस पर धावा बोल दिया, जिससे पुलिस थी वो मुंतशिर हुई और पीछे की तरफ डी चौक से वापस पार्लियामेंट की तरफ जो है वो इस वक्त कंटेनर्स के बैक साइड पे जो है वो मौजूद है। जीतेंगे जीतेंगे जरूर जीतेंगे।